सो राम राम भाइयों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया ही होगी। सो भाइयों, अभी हम जा रहे हैं एक ट्रिप पर ब्लॉग बनाने के लिए। काफ़ी सुंदर सी जगह है जहाँ जा रहे हैं हम। चलो भाइयों, चलते हैं यहाँ से। सही है यार, खा लें। एक ये कुत्ता है जो बेचारा सड़क पर रहता है, ऐसे खाने की वैल्यू है। एक सफ़ेद रंग का अंदर भाग गया भाइयों, उसे खाने की कोई वैल्यू नहीं है। वो अपना एसी में सोता है कुत्ता। और इतना डरपोक है कि पूछो मत। सो भाइयों, हम हल्द्वानी पार कर चुके हैं, काठगोदाम पहुंच चुके हैं और अभी ऊपर निकलेंगे भीमताल की तरफ। तो भीमताल नहीं जा रहे हैं, जा कहीं और रहे हैं। इसके लिए आपको रुकना पड़ेगा। रुकिए ना, चलिए साथ। तो भाइयों, हमने भीमताल छोटा सा ब्रेक लिया है। हाँ, बैठे बैठे थोड़ा सा हमें फिट करनी हो रही, हमारी बाइक दम तोड़ रही है और अभी यहाँ दम तोड़ रही है, आगे तो और ज़्यादा चढ़ाई है। तो हम सोच रहे हैं जो या तो यहीं घूम घाम के चले। सो देखा जाए क्या करें भाई। यही मुझे तो यही लग रहा है, यहीं से वापस चाय पीते हैं और भाइयों आपको घुमाते हैं। और तो क्या ही है वो। सो भाइयों, बड़ा दुखद सा लगता है कुछ देख के। देखो यहाँ पर पानी की कितनी ज्यादा कमी है, सबसे ज्यादा। और जबकि ये हमारे यहाँ का सबसे बड़े तालों में से एक है और इसका पानी यहाँ तक देखा है मैंने अपनी आंखों ऊपर तक। और इसमें घास नजर आ रही है प्योर। भाइयों सच बताऊं तो ये सब हमारी वजह से है। पेड़ लगाओ भाइयों, क्योंकि सारा का सारा स्ट्रक्चर ना पृथ्वी का थोड़ा थोड़ा खराब हो जाता है, अनस्टेबल है सारा सब कुछ। तो पेड़ लगाओ भाइयों। इंडिया में सिर्फ 28 पेड़ प्रति व्यक्ति है, ये बहुत कम है। बहुत बहुत देश हमसे बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। कनाडा में लगभग 7 से 8 हज़ार पेड़ प्रति व्यक्ति। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस भाइयों। लगाओ पेड़ जितनी जल्दी, हम तो खुद ही काम करेंगे। भाइयों एक चीज़ बताऊँ, 10 पेड़ और हमारे 10 सब्सक्राइबर्स, जो जब भी 10 सब्सक्राइबर बढ़ेंगे हम 10 पेड़ लगाएंगे। तो भाइयों हमारा साथ दो ताकि हम ऐसा इनिशिएटिव करें और उठाएं इस चीज़ को। भाइयों एक चीज़ और, यहाँ ना बच्चों की अभी तक छुट्टियाँ नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पर सर्दियों में छुट्टियाँ होती है लंबी, इस समय चलती है स्कूल सारे के सारे। भाई देखो कमल के फूल कितने सारे। कमल ताल कहलाता है, सुंदर है ना, इसको कमल ताल बोलते हैं, बहुत सुंदर है। और इस टाइम में कमल के फूल कितने खिले हुए हैं इसमें। यहाँ पे इस टाइम हम है ना, ये आता है नोकोचिया ताल में, जो कि भीमताल से 5 किलोमीटर ऊपर की तरफ है। और नोकोचिया ताल के 9 कोने हैं और ये भी बहुत गहरा है। और जो इसके कहने की बात तो ये है, जो इसके 9 कोने एक साथ देख लेता है उसकी मृत्यु हो जाती है। वो सही है या नहीं है ये खैर नहीं पता, बट ऐसा बोला जाता है। लेकिन ये भी है कि आज तक किसी ने 9 कोने देखे नहीं है इसके। और ये हमने पढ़ा है हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि हम पहले कोचिंग कर चुके हैं। भाइयों ये काफ़ी डिफरेंट चीज़ दिखाता हूँ, अभी देखा है मैंने तो पहली बार ऐसे देख रहा हूँ। ये देखो ये पेड़ है जिसमें पीपल के पत्ते ये हैं और ये किसी और चीज़ के पत्ते, मतलब इस पर कुछ और भी है साथ में, दो पेड़ एक साथ हैं, इतना चौड़ा पेड़ है। भाइयों आपको पता है, एक जानकारी और देता हूँ, जो पीपल का पेड़ है ये 100% CO2 एब्जॉर्ब कर लेता है और सबसे हाई ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का इसमें ताकत होती है। पहले नंबर पर पीपल, दूसरे में बरगद और तीसरे पे नीम। भाइयों ये देखो, टू मच ब्यूटीफुल। भाइयों मैं आपको ना अंदर भी जाके दिखा देता अगर मुझे गीला ना होना होता ना।
तो आपको एक आधा फूल तोड़ के, तोड़ूंगा तो नहीं खैर, मगर दिखाता जरूर उसके पास जाके। मगर कितने सुंदर फूल है ये देखो, भयंकर साबुत कितना चौड़ा था भैंस की मैंने वैसे एज एन रियल मतलब देखे हैं, मगर इतना साफ सुथरा नहीं देखा था। बड़ा मजा आ रहा है देख, एकदम मस्त पानी भी साफ है और भयंकर देख वो पत्ता कितना चौड़ा है भयंकर ही। ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, इसमें पानी कभी वो नहीं होता। ये देखो भाइयों, ये गीले नहीं होते, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। ये पानी ये जब इन पे पानी आता है ये नीचे यूं कर देते हैं, थूक देते हैं पानी, पानी एक्सेप्ट ही नहीं करते। सो भाइयों ये है नौकुचिया ताल, और जैसे मोहित ने बताया आपको कि इसके नौ कोने हैं और नौ कोने को एक साथ नहीं देख सकता। तो देखेगा अभी कैसे, सारे अलग अलग दिशा में तो है, एक बैंगर उस साइड है, एक किधर है, एक किधर है, तो देखेगा कहाँ से। मैं सोचता हूँ कि ड्रोन से शायद देख लिया जाए, मगर वो भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कहीं कहीं जहाँ है ना पहाड़ से ढका हुआ है वो जगह। सो भाइयों ये पास है, ये वाली जो नॉलेज है वो सही है, सच बात है, कोई ऐसी नहीं है। और यहाँ पर ये कई सारी चीज़ एक्टिविटीज वगैरह होती है। ये वाला मैंने किया हुआ है, एक ब्लॉग में देखा भी होगा आपने, बड़ा मज़ा आता है भाई साहब, थक जाता है। ये ना 15 मिनट बोलते हैं, मगर 5 मिनट में भी आप इतने थक जाओगे कि आपकी ऐसी ऐसी हो जाएगी। सही, सुंदर तो बहुत है यार, और इसमें पानी भी है अच्छा खासा। भीमताल में नहीं है वह पानी, आता है भीमताल के अंदर रहती है। नहीं देख सकता भाई इसके नौ कोने, नहीं मिल सकते, नहीं देख सकते, ड्रोन से भी नहीं देख सकते। वहाँ भयंकर लोग नहा रहे हैं, और जबकि नहाना सख्त मना है, मगर वो लोकल है, लोकल कुछ भी कर लेता है। तो भाई जैसा आप देख रहे हो सुंदरता बनाई भी जाती है, कितना अच्छा कर रहे हैं बच्चे, नाइस। भाई ये सुंदर सा मंदिर नौकुचिया ताल में पड़ता है और बहुत ही सुंदर है, मजा आ रहा है। ये हनुमान जी की मूर्ति कितनी सुंदर है, हर हर महादेव। भाइयों देखो पैराग्लाइडिंग चल रही है, ऐसा मैंने भी करना है यार भाई, 500 ले ले लैंड करा दे भाई, 500 लेके लैंड करा दे भाइयों। देखो पतंग, इंसानी पतंग, नाशपाती का पेड़ और वो आम का पेड़। भाई ये पहाड़ पे नाशपाती बहुत सारी होती है, और इस टाइम नाशपाती का ही सीजन आने वाला है। यस, वो देखो ये हाथ नियरी नहीं तो तोड़ लेता है, गाड़ी खाता जरूर। सो भाइयों हम वहाँ से अब सीधा हल्द्वानी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमने जितना घूमना था आज घूम लिया, क्योंकि बाइक में थोड़ी प्रॉब्लम है, ये एकदम खा रही है गाड़ी। सो हम सोचा कि बीच रात में फंसे, इससे बढ़िया है चलना। तो भाई सीधा हल्द्वानी मिलते हैं लव्या के पास। सो भाई लव्या क्या पहुंच गए, एज अ सिम्बा, सिम्बा ऑलवेज लव मी सो मच सो मच सो मच। हम घूम के आ रहे हैं, घूम आए भाई लव्या के यहाँ, कर ली हमने पेट पूजा और जाने का टाइम भी आ गया। लव्या को भी काम है अपना खुद का, घर में बहुत तेज हो रही है, इसलिए हम भी निकल रहे हैं। टाटा बाय बाय, फिर आप भी जा रहे हो, काम बहुत सारा काम, लव्या तो बिजी है। तो भाइयों निकलते हैं। भाइयों पहुंच गए घर पे, हाँ, और इसे 2 मिनट चला के बंद करेंगे, नहीं तो ये कहीं हमें ना बंद कर दे, बहुत गर्मी हो रही है ऐसा लग रहा है। और भाइयों ये जो हो रहा है ना, इस समय ऐसे जल रहे हैं, ऐसा लग रहा है पता नहीं रोड पर आग जल रही है, आग जल रही है। सो भाइयों अभी बज रहे हैं लगभग 7 के आसपास, और हेयर द डे एंड ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मेरे पैरों में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है, पता नहीं, वही सब्जी काट रहा है,
घर का काम कभी कभार काम करता है। चलो भाइयों, इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो। आपका एक एक सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।